हे गाइस, वेलकम टू द चैनल रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका और आज यहाँ पे डिस्कस करूँगी यूपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर विद डिटेल सॉल्यूशन। और यहाँ मैं प्रीलिम्स की 2013 की पेपर यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। ये पार्ट फोर है क्योंकि इससे पहले पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आ चुकी है। उसमें मैं कुछ क्वेश्चन को डिस्कस की हूँ और इसमें मैं 20 क्वेश्चन को डिस्कस करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं ऑलरेडी 30 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुकी हूँ। ये 31st से स्टार्ट है तो 50 तक हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द फूड चेन इन इकोसिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मींस फूड चेन के बारे में पूछ रहा है कि उसके बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान देना कि इनकरेक्ट पूछ रहा है कि करेक्ट पूछ रहा है। तो ये करेक्ट पूछ रहा है। अब ऑप्शन देखते हैं। अ फूड चेन इलस्ट्रेट्स द ऑर्डर इन विच अ चेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फिट अपॉन ईच अदर। फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है कि फूड चेन में एक ऐसा ऑर्डर होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को खाते चलते हैं एक चेन के अंदर में। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि फूड चेन को ऐसा पाया गया है कि वो स्पेसिस के पॉपुलेशंस के विदिन ही रहता है। थर्ड बोला जा रहा है, एक फूड चेन के अंदर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक दूसरे को खाते हुए चलते हैं। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? सो इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, बी और सी, सेकेंड और थर्ड ऑप्शन आपका गलत है। क्योंकि एक फूड चेन का एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाते चलते हैं। तो यहाँ पे डिफाइंड होता है कि कौन किसको खा रहा है। ठीक है, ये नहीं कि एक स्पेशीज के पॉपुलेशंस के विदिन होता है और एक दूसरे को खाते चलते हैं। नहीं, ये एक सीक्वेंस में होता है। जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, ग्रास को ग्रास हॉपर खाता है, फिर ग्रास हॉपर को कौन खाता है? रैट खाता है। फिर रैट को कौन? स्नेक। फिर स्नेक को कौन? हॉक। तो ये डिफाइंड है। ऐसा नहीं है कि ग्रास हॉपर को ग्रास खा लिया, फिर स्नेक भी ग्रास खा रहा है, हॉक भी ग्रास हॉपर को खा रहा है। तो ऐसा नहीं है, ये एक डिफाइंड फूड चेन होता है। तो इसलिए इसमें कहा जा रहा है कि ये एक तरह का सीक्वेंस है जिसमें ये डिफाइंड होता है कि हु इट्स हुम, कौन किसको खा रहा है। और फूड चेन एक ऐसा इलस्ट्रेट किया गया है, बनाया गया है कि उसमें एक ऑर्डर है कि ऑर्गेनिज्म जो है एक दूसरे को खाते हुए चलते हैं। सो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। इट मींस फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। सेकंड गलत इसलिए है क्योंकि ये स्पेसिस के पॉपुलेशंस के अंदर नहीं होती है। मींस ग्रास ओपर का आपको बहुत सारा स्पेसिस दिख जाएगा, लेकिन एक ग्रास ओपर दूसरे को नहीं खाता है, ग्रास ओपर सिर्फ ग्रास खाता है। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन गलत हो गया। और सेकेंड ऑप्शन गलत होते के साथ आप यहाँ पे बी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, सी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। फर्स्ट तो आपका सही है, तो इसलिए आपका फर्स्ट और ए और डी में से कोई ऑप्शन हो सकता है। अब थर्ड देख लेते हैं। अब फूड चेन इलस्ट्रेट द नंबर ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म। यहाँ नंबर नहीं होता है, फूड चेन में एक आपका सीक्वेंस डिफाइंड होता है कि कौन किसको खाता है, इसलिए ये ऑप्शन थर्ड भी गलत है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैच्ड। ओके, कौन कौन सा पेयर्स करेक्टली मैच्ड है? तो यहाँ नेशनल पार्क दिया हुआ है और रिवर दिया हुआ है कि इस नेशनल पार्क से कौन कौन सी रिवर फ्लो करती है। तो पहला है कॉर्बेट नेशनल पार्क, क्या ये गंगा से फ्लो करती है? काजीरंगा नेशनल पार्क, क्या ये मानस से फ्लो करती है? और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, क्या ये कावेरी से फ्लो करती है? सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी, क्योंकि कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका राम गंगा से फ्लो करती है जो कि आपका गंगा की ट्रिब्यूटरी है, और साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपका भवानी रिवर से फ्लो करती है जो कि आपका कावेरी का ट्रिब्यूटरी है, और काजीरंगा नेशनल पार्क आपका ब्रह्मपुत्र रिवर से होकर फ्लो करती है। सो इस मैप में आप देख सकते हो, ऊपर है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, तो ये आसाम में है, और ये है आपका जो ग्रीन कलर से है ये पूरा पार्क है, और इसके बगल में आप देख रहे हो ये है ब्रह्मपुत्र रिवर, और ये है सेकंड आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये जितनी ग्रीन से आप देख रहे हो ये आपका पार्क का एरिया है, और इसके बीच में आपका यहाँ पर राम गंगा रिजर्वायर है, यानी ये आपका राम गंगा रिवर यहाँ से ऐसे फ्लो करता है, तो इसलिए ये आपका इस रिवर पर सिचुएटेड है। सो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन डी। मीन्स तीनों ही गलत है आपका। और मानस नेशनल पार्क भी एक नेशनल पार्क है, ये कोई रिवर नहीं है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से कौन सी आपकी बायो फर्टिलाइज़र है? ठीक है, एगारिकस, नॉस्टॉक, स्पायरोग्रिया। तो इसमें से कौन सा आपका बायो फर्टिलाइज़र है? तो आप समझते हैं कि बायो फर्टिलाइज़र होता क्या है। बायो
फर्टिलाइज़र एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें कि आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है और जिसको हम लोग सीड्स या प्लांट सरफेस या सॉइल में हम लोग उसको डालते हैं, जिससे क्या होता है कि जो भी हमारा क्रॉप होता है वो उसके ग्रोथ में इंक्रीज़ होता है। तो इसलिए हम लोग कहीं भी आप खेत उत देखते होंगे जो आपका लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म होता है, जैसे जोंक वगैरह जो होती है, वो छोटे छोटे जो होते हैं जो आपके प्लांट्स को ग्रोथ करने में हेल्प करती है, तो उनको बायो फर्टिलाइज़र कहते हैं। इसलिए बायो फर्टिलाइज़र आपका इनमें से कौन सा है, ठीक है? तो अब हम लोग देखते हैं, पहला जो था एगारिकस, तो एगारिकस हमारा फंगस है, ठीक है, फंगस है। तो ये रहा एगारिकस, जो कि आपका मशरूम शेप्ड का दिखता है, ये फंगस है। दूसरा स्पायरोग्या, तो ये आपका एल्गी है और ये है आपका स्पायरोग्या। तो यानी आपका फर्स्ट और थर्ड नहीं होगा, आपका सेकंड होगा जो कि आपका बायो फर्टिलाइज़र है। ओके, अब फोर्थ देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऐड नाइट्रोजन टू द सॉइल, मीन्स कौन सा ऐसा चीज़ है इन तीनों में से जो कि सॉइल में जब ऐड करते हैं तो उससे नाइट्रोजन मिलता है। एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया बाई एनिमल्स, जो एनिमल के जो यूरिया होते हैं या फिर एक्सक्रीशन होती है उनसे क्या नाइट्रोजन मिलती है। बर्निंग ऑफ कोल बाई मैन, कोई भी आदमी अगर कोल को जलाता है तो क्या उससे नाइट्रोजन मिलता है सॉइल को। डेथ ऑफ वेजिटेशन मीन्स कोई भी जो घास फूस जो मर जाते हैं तो उससे सॉइल को क्या आपको नाइट्रोजन मिलता है। तो आपको इसमें समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन ए स्टेटमेंट वन और थर्ड सही है, क्योंकि अगर कोल को बर्न करोगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, ना कि नाइट्रोजन, और सॉइल में तो नहीं मिलता है इसको किसी भी तरीके से, ये एयर में चला जाता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, तो बी और डी को आप एलिमिनेट कर सकते हो। और जो फर्स्ट रहा एक्सक्रीशन, तो हम लोग तो काउडंग मिलाते हैं मिट्टी में जिससे नाइट्रोजन मिलती है, तो नाइट्रोजन मिलने से क्या होता है, प्लांट्स और जो भी फल फूल जो होते हैं वो अच्छा बड़ा बड़ा खिलते हैं, उसके ग्रोथ में इन्हांस होता है। और जो वेजिटेशन डेथ होते हैं तो उससे क्या होता है कि वो भी सॉइल में नाइट्रोजन प्रोड्यूस करती है। तो इसीलिए आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया सी, वन एंड थर्ड आर करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन से ऐसे स्टेट है जहाँ पे आपका लायन टेल्ड मकाओ पाया जाता है, उसका नेचुरल हैबिटाट है, मीन्स वहाँ पर ही वो पाया जाता है। तो कौन कहाँ है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तो इसमें से कौन सा है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पे ए, इट मीन्स तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, यहाँ आपका लायन टेल्ड मकाओ मिलता है। लायन टेल्ड मकाओ जो होता है वो आपको फॉरेस्ट माउंटेन में मिलता है, और इसकी जो IUCN रेड लिस्ट में जो इसका स्टेटस है वो है इंडेंजर्ड, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ जो बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स होते हैं वो चैत्यस कहा जाता है और दूसरे को विहारास कहा जाता है, तो जो चैत्यस और विहारास में क्या डिफरेंस है। सो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, विहारा एक पूजा करने का जगह था और चैत्या एक मॉन्क लोग के ड्यूलिंग प्लेस था, मीन्स जो साधु संत होते हैं उनका ड्यूलिंग प्लेस था। फिर बी है, चैत्या एक पूजा करने का जगह था और विहारा जो है साधु संत के ड्यूलिंग प्लेस था। चैत्या जो है एक स्तूप है एट द फार एंड ऑफ द केव, केव के एकदम बहुत दूर में एक स्तूप है, और विहारा जो है एक हॉल है उस स्तूप के अंदर। देर इज़ नो मटेरियल डिफरेंस बिटवीन द टू। सो थर्ड, आप लास्ट ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि बुद्धिस्ट का जो रॉक कट केव्स था उसमें चैत्यास और विहारास दोनों डिफाइंड है, तो आपका ये कह नहीं सकते हो कि दोनों में डिफरेंस है, दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस है, और इसका करेक्ट ऑप्शन जो है आपका बी है। ओके, चैत्यास जो है वो हॉल को कहा जाता था जो कि आपका स्तूपा के अंदर होता था, और चैत्यास में जो है वो बहुत लार्ज नंबर ऑफ डिवोटीज़ होते थे जो वहाँ पे बैठ के प्रेयर करते थे। और विहारास अगर देखा जाए तो वो एंशिएंट इंडिया में इसको ऐसा बनाया था कि वो एक रेस्टिंग प्लेस था मॉन्क के लिए। ओके, इसलिए इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, क्योंकि चैत्यास जो है एक वर्शिप का प्लेस है और विहारास जो है वो रेस्टिंग प्लेस है मॉन्क्स के लिए। सेवन क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आपका बेस्ट डिस्क्राइब करता है निर्वाणा इन बुद्धिज्म, बुद्धिज्म में था आपका निर्वाणा, तो इसमें से कौन आपका बेस्ट डिस्क्राइब करता है। द एक्सटेंशन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिज़ायर, द कंप्लीट एनिहिलेशन ऑफ सेल्फ, अ स्टेट ऑफ ब्लीज एंड रेस्ट, अ मेंटल स्टेज बियॉन्ड ऑल कंप्रहेशन। सो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, निर्वाणा जो आपका ओरिजिनली एक्सप्लेन किया गया है वो आपका कंसेप्ट है लॉर्ड बुद्धा का, और जो निर्वाणा है वो आपका कहाँ से आया है, तो इसका मीनिंग है टू ब्लो आउट, मीन्स निकाल देना, ठीक है।
जब मनुष्य अपने अंदर से लालच और घृणा और जो भी हेट्रेड है, नफरत करने का चीज़ें अपने आप से ब्लो आउट कर देगा, मीन्स अपने आप से निकाल देगा, तो वो एकदम फ्री हो जाएगा, वो फ्रीडम हो जाएगा हर किसी चीज़ से, और ना ही वो पास्ट के बारे में सोचेगा, ना ही फ्यूचर का चिंता करेगा, वो प्रेजेंट में जीने लगेगा। इसलिए बुद्धिज्म का ये एक निर्वाणा कंसेप्ट है जिसका मीनिंग है फ्रीडम फ्रॉम ऑल द थिंग्स। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो कौन सा ऐसा फंडामेंटल्स है जो कंट्री को गवर्नेंस के लिए हेल्प करता है? क्या ये फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी है, या DPSP है, या फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी है? देखिए, फंडामेंटल राइट्स जो है वो सिटीजन्स को दिया गया, इंडियन सिटीजन्स को, जिसके तर्ज पे इंडियन सिटीजन्स इंडिया में अच्छे से रह पाए। अगर उनके जो कुछ राइट्स का हनन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। तो इसलिए इससे हमारा कंट्री का गवर्नेंस नहीं होता है, इससे इंडियन सिटीजन्स अपने कंट्री में आराम से रहते हैं। ये उनको राइट्स दिया गया, हक दिया गया है जीने के लिए, रहने के लिए। और दूसरा रहा फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो ये भी इंडियन सिटीजन्स के लिए है, साथ में गवर्नमेंट के लिए भी है, लेकिन ये ड्यूटीज़ है जो हर किसी को निभाना है, इसका वायलेशन नहीं होता है। ये एक कुछ सर्टेन ड्यूटीज़ है जो आपको निभाना ही है अगर आप इस कंट्री में रह रहे हो, तो ये भी आपके कंट्री का गवर्नेंस को डिसाइड नहीं करता है। थर्ड है आपका DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ही हो गया सी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्योंकि इसमें कुछ आपका प्रिंसिपल और पॉलिसीज़ दिया गया है जिसके तर्ज पर आपका सेंटर और स्टेट दोनों अपने अपने अकॉर्डिंग काम करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो इंडिया के लोग थे वो विद्रोह कर रहे थे किसके अगेंस्ट में? साइमन कमीशन के अगेंस्ट में। तो वो क्यों कर रहे थे? पहला है कि इंडिया नेवर वांटेड द रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ एक्ट 1919। दूसरा है कि साइमन कमीशन जो रिकमेंड किया था वो जो प्रोविंस में डायरेक्टी सिस्टम होता था उसको ख़त्म करने की बात की गई थी। या सी है कि इस साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन मेम्बर नहीं था। डी है कि साइमन कमीशन सजेस्ट किया था कंट्री के पार्टीशन का। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सी है आपकी? डी तो ऐसा है नहीं, साइमन कमीशन ने ऐसा नहीं कहा था। दूसरा है कि साइमन कमीशन ने ये जो प्रोविंस का डायरेक्टी को एबोलिश करने के लिए कहा था, तो इसके अगेंस्ट में लोग जो है एजिटेट नहीं कर रहे थे, विद्रोह नहीं कर रहे थे। इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया सी, देयर वॉज नो इंडियन मेंबर इन द साइमन कमीशन। जो कमीशन बैठाया गया उसमें कोई भी इंडियन के लोग को उसमें इंक्लूड नहीं किया गया, जिसके कारण क्या हुआ कि इंडिया के लोग बहुत ही गुस्से में आ गए और वो लोग विद्रोह करने लगे, और इसके अगेंस्ट में उन्होंने नारा निकाला साइमन गो बैक। तो इसको बोल बोल के वो लोग साइमन कमीशन के अगेंस्ट में एजिटेशन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू। क्विट इंडिया मूवमेंट जो हमारा 1942 में हुआ था वो किस चीज़ के रिस्पॉन्ड में हुआ था, किस चीज़ के अगेंस्ट में ये निकाल गया था? क्या कैबिनेट मिशन प्लान के, क्रिप्स प्रपोजल के, साइमन कमीशन रिपोर्ट के, या वेवर्स प्लान के? तो साइमन कमीशन रिपोर्ट का भी हम लोग देखें कि साइमन गो बैक कहा जा रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं था उस समय। बाकी आपका रहा इसमें कैबिनेट मिशन प्लान, तो ये हमारा आया था हमारे कंट्री को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए, तो ये भी नहीं है। आपका हो गया क्रिप्स प्रपोजल। सो क्रिप्स प्रपोजल के अगेंस्ट में क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गया था, और ब्रिटिश गवर्नर के द्वारा यहाँ पे एक डेलीगेशन भेजा गया था इंडिया में, जो थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, तो इनके अगेंस्ट में क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री इज सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ, मीन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री होता क्या है, ये किस चीज़ का रिकॉर्ड होता है? सारे इंपोर्ट का और ट्रांजैक्शन का जो एक पीरियड में किया गया है विद इन अंडर अ ईयर, एक साल में जितने भी ट्रांजैक्शंस और इंपोर्ट किए हुए हैं, क्या ये इसका रिकॉर्ड होता है? या फिर गुड्स जो एक्सपोर्ट किया गया है कंट्री से एक साल में, या फिर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन द जो सरकार के बीच में और दूसरे कंट्री के सरकार के बीच में जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किया गया है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, या फिर कैपिटल मूवमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, मीन्स जो भी कैपिटल का मूवमेंट होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री का, ये है बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका क्या होता है कि जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं दो कंट्री के बीच में उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, और इसका सही ऑप्शन हो गया आपका सी, मीन्स इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री टू अनदर। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट आपका क्या होता है कि एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, जितने भी आपके सामान एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होते हैं, चाहे वो गुड्स हो, सर्विस हो, फिनेंशियल कैपिटल हो या फिनेंशियल ट्रांजैक्शन हो, ये जितने भी चीज़ें आपकी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होती है दो कंट्री के बीच में, इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
RBI regulates commercial bank in matter of, means जितने भी banks होते हैं commercial bank उसको RBI regulate करती है. तो किस किस matter में regulate करती है? क्या उसके assets के liquidity को maintain करने के लिए, या branch का जो expansion होता है एक branch से जो दो चार branch खुल जाते हैं उसके लिए, या फिर बैंकों का जो merger हो जाता है, एक दो bank जो आपस में merge होकर एक bank बन जाते हैं वो, या फिर वाइंडिंग अप ऑफ बैंक, मीन्स जो बैंक घाटे में जा रहे हैं बहुत ज़्यादा लोन्स के कारण वो लॉस में जाते हैं, तो क्या होता है वो बैंक को बंद कर दिया जाता है. तो इसमें से कौन कौन सी चीज़ है जो RBI हैंडल करती है? तो इसकी करेक्ट आंसर होगी ऑप्शन डी, यानी आपको ये चारों आपका RBI ही कंट्रोल करता है, क्योंकि RBI आपका मेन मॉनिटरी अथॉरिटी होता है कंट्री का, और ये आपका बैंक होता है नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट का भी. जो वाइंडिंग अप बैंकिंग कंपनीज होती है वो आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर में होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंक्रीज़ इन बैंक रेट जनरली इंडिकेट्स दैट, जो बैंक जब अपना बैंक रेट को इंक्रीज़ कर देती है तो उससे होता क्या है? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ लाइकली टू फॉल, जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट है वो गिर जाता है. सेंट्रल बैंक इज़ नो लॉन्गर मेकिंग लोन टू कमर्शियल बैंक, मीन्स जब बैंक रेट बढ़ जाती है तो सेंट्रल बैंक जो RBI होती है वो कमर्शियल बैंक को लोन नहीं दे पाती है. या फिर सेंट्रल बैंक इज़ फॉलोइंग एन ईजी मनी पॉलिसी, सेंट्रल बैंक जो है एक ईजी मनी पॉलिसी को फॉलो करती है, या फिर सेंट्रल बैंक जो है वो टाइट मनी पॉलिसी को फॉलो करती है. तो इसमें से कौन सी करेक्ट है? सो इसकी करेक्ट ऑप्शन है डी, सेंट्रल बैंक इज़ फॉलोइंग ए टाइट मनी पॉलिसी. आखिर बैंक रेट को इंक्रीज़ क्यों करती है? बैंक रेट को इंक्रीज़ करने का एक कारण होता है कि इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, जो मार्केट में अगर पैसे का बहुत ज़्यादा फ्लो होता है और मार्केट सिर्फ पैसे को कर्व करना है, मीन्स पैसे को कम करना है, तो क्या करती है? बैंक रेट को बैंक इंक्रीज़ कर देती है, जिससे क्या होता है कि बोरोइंग का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है. लोग ज़्यादा लोन नहीं देंगे क्योंकि उसके बदले में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा. तो उस समय जब बैंक रेट इंक्रीज़ हो जाता है तो जो लोन लेना चाहते हैं वो लोन नहीं लेते हैं. इसके कारण क्या होता है? लोगों के हाथ में कम पैसा होता है, और जब लोगों के हाथ में कम पैसा होगा तो मार्केट में कम पैसा होगा, यानी इन्फ्लेशन आपका कंट्रोल हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया डेफिसिट फाइनेंसिंग इज़ यूज्ड फॉर रेजिंग रिसोर्स फॉर डेफिसिट फिनेंसिंग. डेफिसिट फिनेंसिंग का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट, मीन्स कितना अपना कंट्री जो है आपका एक्सपेंडिचर करता है, खर्च करता है, और कितना वो गेन करता है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं डेफिसिट फिनेंसिंग. तो इंडिया में डेफिसिट फिनेंसिंग किस लिए यूज़ होता है? क्या ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है? क्या ये जो पब्लिक डेट है उसको रिडेम्पशन के लिए यूज़ होता है, वापस देने के लिए यूज़ होता है, या फिर अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को एडजस्ट करने के लिए होता है, या फिर फॉरेन डेट को रिड्यूस करने के लिए होता है? तो हमारे कंट्री में जो हमारा डेफिसिट फिनेंसिंग है वो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के यूज़ के लिए ही यूज़ किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आपका पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, पहला कि वो ग्रेट पैलेस और टेम्पल्स को पोजेस करते थे, और वो वर्शिप करते थे मेल और फीमेल दीदीज, मीन्स फीमेल और मेल भगवान जो होते थे दोनों का वर्शिप करते थे. वो क्या एम्प्लॉयड करते थे हॉर्स ड्रॉन चैरियट इन वॉरफेयर? तो इनमें से कौन सा करेक्ट है आपका? तो जो इंडस सिविलाइजेशन के पीपल्स थे वो पैलेस और टेम्पल्स को पोजेस नहीं करते थे, वो तो आपके ईंट के बने हुए घर में रहते थे, या फिर ड्रेनेज सिस्टम के बगल में जो कुछ भी घर वर बना के वो उसमें रहते थे. तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया, और थर्ड ऑप्शन है कि दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट इन वॉरफेयर. तो जो इंडस सिविलाइजेशन के पीपल होते थे वो पीस लविंग होते थे, वो वार में कभी भी साथ नहीं देते थे, और उन्होंने कभी वॉर किया ही नहीं. तो इसीलिए ये ऑप्शन भी आपका इजीली एलिमिनेट हो जाता है. तो अगर आप फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को एलिमिनेट करते हो तो आपका ए सी और डी ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, तो आपका सिर्फ ऑप्शन बचता है बी. तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, मीन्स वो वर्शिप करते थे मेल और फीमेल दीदीज दोनों का. सो यहाँ आप डिटेल पढ़ सकते हो. फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो ट्रांसमिट होती है वन पर्सन टू अनदर थ्रू टैटूइंग, मीन्स जब हम लोग टैटू बनाते हैं तो उसमें वन पर्सन से दूसरे पर्सन में कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो ट्रांसफ़र होती है? चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस बी, HIV एड्स. तो चिकनगुनिया तो आपका कहीं से भी ट्रांसफ़र नहीं होता है, चिकनगुनिया या डेंगू हो तो आपका वन पर्सन टू अनदर पर्सन ये ट्रांसफ़र नहीं होता है. तो इसलिए ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर दीजिए. द मोमेंट यू एलिमिनेट ऑप्शन वन तो आपका क्या होगा? अगर आप
चिकनगुनिया को एलिमिनेट कर दोगे तो आपका ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, ए एलिमिनेट हो जाएगा, सी डी सब एलिमिनेट हो जाएगा, तो आंसर आपका ऑटोमेटिकली आ रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग को लॉजिक पता होना चाहिए। जैसे हेपेटाइटिस बी और एचआईवी एड्स, तो ये सारे फैलते हैं आपके इन्फेक्टेड नीडल्स से, इन्फेक्टेड इंजेक्शन से। तो जब टैटूइंग होती है तो अगर कोई भी इंसान जो टैटू बनाया है और उसको एचआईवी एड्स है या हेपेटाइटिस बी और सी भी है, ठीक है, हेपेटाइटिस 5 तरीके के होते हैं ए बी सी डी ई, लेकिन इसमें से सबसे ख़तरनाक जो होता है, जो ट्रांसमिट हो जाता है 1 पर्सन टू अनदर, तो ये होती है हेपेटाइटिस बी और सी। तो बी और सी दोनों ट्रांसमिट होती है। अगर किसी ने अपना टैटू बनवाया है और वो एचआईवी एड्स से हो या हेपेटाइटिस बी या सी से हो, और उसी के नीडल्स को दूसरे किसी इंसान पे अगर उसी नीडल से टैटू बनाया जाए, तो उनको भी वो चांसेस है कि उनसे उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा डिजीज़। तो मेनली होता क्या है कि ब्लड के थ्रू ही ट्रांसमिट होता है, क्योंकि जब टैटू बनाते हैं तो कहीं कहीं ब्लड भी आ जाती है, तो वो जब ब्लड अगर नीडल में लग जाता है, तो नीडल अगर दूसरे नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को लग गया, तो यानी उनको भी ये चांसेस है कि ये डिजीज़ हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एप्लीकेबल टू जैन डॉक्ट्रिन, कौन कौन सा ऐसा है जो जैन डॉक्ट्रिन के स्टेटमेंट से करेक्ट है। ओके, तो पहला देखते हैं हमारा है, द स्योरेस्ट वे ऑफ एनिहिलेटिंग कर्मा इज़ टू प्रैक्टिस पिनेंस। ठीक है, एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज़ अ सोल, मीन्स छोटा छोटा कोई भी हर कण कण में आपका आत्मा बसता है। कर्मा इज़ द बेन ऑफ द सोल एंड मस्ट बी एंडेड। ठीक है, आपका आत्मा का लास्ट काम ही आपका कर्मा है और वो मस्ट बी एंडेड, वो एंड होगा ही। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो जैन फिलॉसफी और जैन डॉक्ट्रिन की बात करें तो ये तीनों आपका जो स्टेटमेंट है, ये जैन डॉक्ट्रिन का ही आपका स्टेटमेंट है, तो तीनों ऑप्शन करेक्ट है, हेंस डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ़ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाई एन ऑर्गेनिज्म, मीन्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फिजिकल स्पेस जो अपना ऑक्यूपाइड करते हैं वही नहीं, बट ऑल्सो इट्स फंक्शनल रोल इन द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मीन्स वो जिस कम्युनिटी में रहते हैं वहाँ वो फंक्शनली रोल भी करते हैं। ठीक है, सिर्फ फिजिकली वो प्रेजेंट नहीं है, उनका अपना एक फंक्शनल रोल भी होता है। तो ऐसी कौन सी टर्म, इसको क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं, इकोलॉजिकल नीचे कहते हैं, हैबिटेट या होम रेंज? तो इसकी करेक्ट आंसर है बी, इसको इकोलॉजिकल नीचे कहते हैं। इकोलॉजिकल नीचे एक तरह का टर्म होता है जो भी किसी भी स्पेसिस के लाइफ को डिफाइन करता है। कोई भी स्पेसिस है अगर वो अपने तरीके से लाइफ जी रहा है, कहीं भी फिजिकली प्रेजेंट है और वो इकोलॉजिकली प्रेजेंट है और वो अपना फंक्शनली कुछ रोल प्ले कर रहा है रहते हुए भी, तो उसको हम लोग इकोलॉजिकल नीचे कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोटोकेमिकल स्मोक इज़ द रिजल्टेंट ऑफ द केमिकल रिएक्शन अमंग, कौन कौन से रिएक्शन के बाद आपका फोटोकेमिकल स्मोक प्रेजेंट होता है? तो इसकी करेक्ट ऑप्शन ए, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंट में ही फोटोकेमिकल स्मोक आपका प्रेजेंट होता है और बाकी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि ऑक्सीजन तो होता ही नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड तो होता ही नहीं है, तो ये सारी चीज़ आप पहले एलिमिनेट कर दो। कार्बन मोनोक्साइड भी नहीं होता, इसमें ओजोन होती है। ओके, यहाँ आप देख सकते हो जो फोटोकेमिकल स्मोग है वो एक केमिकल रिएक्शन है सनलाइट का, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कि एटमोसफेयर में रहते हैं। और इसके मेन कंपोनेंट क्या क्या है? तो ये वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है और आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है और पैन है, पैन मीन्स पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग मिनरल्स कैल्शियम आयरन सोडियम, इसमें से कौन सी मिनरल्स है जो ह्यूमन बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, जो हमारा मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर बेंड होता है या फिर आपका जो रिलैक्स होता है, तो उसमें मसल्स के फंक्शनिंग में कौन सा ऐसा जो मिनरल्स है वो आपका रिक्वायर्ड है? तो आप समझते हैं हर किसी का, कैल्शियम का। कैल्शियम जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कैल्शियम जो है हमारे हेल्दी बोन को डिफाइन करता है, हेल्थ हमारे बोन्स हमारे तित को हेल्दी बनाता है, मसल्स रिलैक्स करने में और कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, और जितने भी नर्व फंक्शनिंग होते हैं या ब्लड क्लॉटिंग होती है किसी भी कटने के बाद, तो उसमें भी इम्पॉर्टेंट होता है ये कैल्शियम। सोडियम की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि ये हमारे फ्लूइड बैलेंस को जो है वो प्रॉपर रखता है, नर्व ट्रांसमिशन को भी प्रॉपर रखता है और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को भी प्रॉपर रखता है। तो
जो कैल्शियम और सोडियम है उसके थ्रू क्या होता है कि जो हमारा मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ह्यूमन बॉडी में वो हमारे हेल्प करता है। तो इसलिए हमारे बॉडी में कैल्शियम और सोडियम की वजह से हम लोग का जो मसल्स जो है आराम से मूव कर रहा है, ये सिर्फ कैल्शियम और सोडियम की वजह से, आयरन की वजह से नहीं है। आयरन जब आप फैटिगनेस फील करते हो या वीकनेस फील करते हो तो आपको आयरन की ज़रूरत होती है, ठीक है, या तो आपकी बॉडी में ब्लड कम है तो आयरन की ज़रूरत होती है, लेकिन कैल्शियम और सोडियम आपके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो आपकी ऑप्शन कौन सी करेक्ट होगी? सी ऑप्शन आपकी यहाँ पर करेक्ट होगी। So guys, this is the end of this lecture. If you like this lecture, then please like, share and don't forget to subscribe my channel. And if you have any kinds of doubt, you can ask me on comment section. और आप इससे पहले वाला जो भी पार्ट है आप उसको देखना मत भूलना, क्योंकि अगर आप UPSC 2019 prelims की तैयारी में जुटे हुए हो तो आपको previous year question solve करना must है। आप 5 years की question paper solve कर लो, आपको बहुत ज़्यादा ही confident आ जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि question के forms क्या होते हैं, pattern क्या होती है। तो इसलिए आप पहले lecture भी देख लो, up to 50 questions हम लोग cover कर चुके हैं 2013 prelims के। मैं इन सारे lecture के links description box में provide कर दूँगी। थैंक यू।